यूपी के हमीरपुर जिले में आज सूबे के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने पहुंचकर जिले को 94 योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। ये योजनाएं जिला मुख्यालय से जोड़ने वाली सड़कों, गांव में संपर्क मार्ग और पुलों के निर्माण से जुड़ी हुई है। वहीं डिप्टी सीएम ने केंद्र और यूपी की बीजेपी सरकार द्वारा बुंदेलखंड के समुचित विकास करने का दावा भी किया। साथ ही सपा और बसपा पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए उन्हें विकास का विरोधी करार दिया। तो मैं समझता हूँ कि हमारी सरकार के समय सवाल आपको करना चाहिए, आपका अधिकार है, लेकिन जरा पुराना वीडियो में निकाल करके देख लीजिए, जब केवल घोटाला भ्रष्टाचार करते थे। हमने 5 साल अभी नहीं बीता, इतना रोका है, इतना सुधारा है, उसको देख करके आपकी छाती चौड़ी होनी चाहिए। घोटाला करने के बाद सड़क पे चले गए, जीरो चले गए। चाचा भतीजा एक हो जाए, चाहे बुआ भतीजे एक हो जाए, चाहे बप्पू पप्पू एक हो जाए, उससे बात कर सकते हैं। मंत्री जी, ये जो पुल बनना है, यमुना पुल बनना है, बेतवा दोनों पुल बनाए जा रहे हैं, ये कब तक पूरा काम हो जाएगा? नहीं, उसमें एक पुल है, उसमें हड़बड़ी नहीं करना, नहीं तो निर्धारित समय है। बड़ी नदी गुणवत्ता पुल पर बन रहा है, गुणवत्ता पुल ढंग से समय सीमा में पूरा हो, ये निर्देश दिया गया है। और हमें उम्मीद है की बुंदेलखंड की जनता के लिए हम जल्द से जल्द गुणवत्तापूर्ण ढंग का यह सेतु बनाकर ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज हब भारत।